जय मसीह की। रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरे भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, अभिषेक पर विश्वास करें। जैसे दूसरा इतिहास की पुस्तक अध्याय 20 के 20 में लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। मेरे प्रियो, इस ऊपर दिए गए वचन के अनुसार परमेश्वर ने कहा कि मुझ पर विश्वास करने से तुम स्थिर रहोगे और मेरे नबियों पर विश्वास करने से तुम सफल रहोगे। आज बहुत से लोग परमेश्वर पर विश्वास करने से स्थिर हो सकते हैं, लेकिन जब तक उनका विश्वास परमेश्वर के नबियों पर नहीं होगा, तब तक वह सफल नहीं हो सकते। जब आप बाइबल में एलिशा के बारे में पढ़ें, तो लिखा है कि हमेशा उसके साथ रहने पर भी उसका साथी कर्जे में था, जो अभिषेक एलिशा के ऊपर था। उस अभिषेक की उसने इज्जत नहीं की और कुछ फायदा नहीं उठाया। उसके मरने के बाद उसकी पत्नी एलिशा के पास आई और कहा कि मेरा पति मर चुका है और उसके द्वारा लिए गए कर्जे के कारण कर्जदार मेरे दोनों बेटों को अपने दास बनाने के लिए लेकर जाना चाहते हैं। तब एलिशा ने उससे पूछा कि तेरे घर में क्या है। उस औरत ने उत्तर दिया कि मेरे घर में सिर्फ थोड़ा सा तेल ही पड़ा है। तब एलिशा ने उसको बर्तन मंगा मांग कर लाने को और उस तेल को उन सभी बर्तनों पर उंडेलने के लिए कहा। बाइबल में लिखा है कि एलिशा के कहे अनुसार वह सभी बर्तन भर गए और तेल आना तब तक बंद नहीं हुआ जब तक आखिरी बर्तन ना भरा। फिर उस औरत ने जाकर एलिशा को बता दिया और एलिशा ने कहा कि उस तेल को बेचकर अपना कर्जा उतार और जो बच जाए उसके साथ अपना और अपने बेटों का जीवन निर्वाह करना। याद रखें, वह औरत जानती थी कि यह परमेश्वर का अभिषिक्त दास मुझे बचा सकता और कर्जे से बाहर निकाल सकता है, लेकिन उसका पति एलिशा के साथ रहकर भी यह बात नहीं जानता था कि उस अभिषेक के नीचे रहना उसकी आशीषों का कारण है। मेरे प्रियो, एक बात को हमेशा याद रखें कि जो परमेश्वर का अभिषेक उसके दासों पर होता है, उसे कभी भी साधारण न समझे। जब भी आप परमेश्वर के भवन में आए, तो कभी भी यह सोचकर न आए कि आप केवल एक चर्च में मेंबर हैं और अपने आज रविवार को चर्च जाना है, बल्कि हर बार कुछ नया सोचकर एक नए विश्वास के साथ परमेश्वर के घर में आए, परमेश्वर में हर दिन एक नई आशा में रहे। अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर देरी से आ रहा है, तो वह परमेश्वर की योजना के अनुसार बड़ा और मजबूत होने वाला है। इसलिए हमेशा परमेश्वर पर विश्वास करने में बढ़ते जाएं और उसके भविष्यद्वक्ताओं पर भी विश्वास करें। परमेश्वर के दास और अपने अगुओं से कभी भी किसी भी बात पर बहस ना करें। याद रखें, एक विश्वासी वह नहीं देख सकता जो परमेश्वर का दास देख सकता है। जिस तरह अगर एक व्यक्ति जो नीचे खड़ा है वह उस चीज को नहीं देख सकता जो एक पहाड़ पर खड़ा हुआ व्यक्ति देख सकता है। मेरे प्रियो, अगर आप उस अभिषेक के ऊपर जो आपके अगुओं के ऊपर है विश्वास करें, तो आपके जीवन में बहुत सारी गवाहियां और आशीषें उत्पन्न होंगी। इसलिए कभी भी अपनी चुनौतियों से परमेश्वर को समझने की कोशिश ना करें, बल्कि विश्वास में बने रहकर अड़े और खड़े रहें और अपने जीवन में ईश्वरीय योजना को पूरा होने दें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें। आमीन, आमीन, आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं दूसरों को तेरा वचन सुना सकूँ, तेरा अनुग्रह मुझ पर आए और मैं अपने हर बंधन से आजाद होने पाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। मेरा विश्वास है कि आप जितने लोग इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं वो आशीषित हैं। पहले ही आशीषित है इस वर्ड के द्वारा, इस डिक्लेरेशन के द्वारा। आप लोग आजाद है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेस हैं। आमेन, आमेन।